नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में टीम इंडिया ने जीत लिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया इस सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। वैसे तो इस मैच में सभी 11 खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन दिया। इसमें मयंक अग्रवाल की बात करें, आर अश्विन की बात करें, मोहम्मद शमी की बात करें, जडेजा की बात करें, लेकिन ये टेस्ट मैच रोहित शर्मा को लेकर काफ़ी याद किया जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच में बतौर ओपनर पहली बार खेल रहे थे। क्योंकि रोहित शर्मा ने दोनों ही पारियों में शतक लगाया था, तो वहीं एक रिकॉर्ड रोहित शर्मा ऐसा भी बना गए इस टेस्ट मैच में, जिस रिकॉर्ड को ना तो रोहित शर्मा दोबारा दोहराना चाहेंगे और ना ही दुनिया का कोई बल्लेबाज तोड़ना चाहेगा। क्योंकि 80 साल बाद क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हुआ है जब कोई बल्लेबाज दोनों पारियों में एक ही गेंदबाज से एक ही तरह से आउट हुआ हो। वैसे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 22वां मौका है जब कोई बल्लेबाज इस अंदाज में आउट हुआ था। दरअसल 80 साल पहले 1939 में इंग्लैंड के क्रिकेटर वैली हेमंड दोनों पारियों में स्टंप हुए थे और रोहित शर्मा भी इस मैच में दोनों पारियों में स्टंप हुए थे। रोहित शर्मा को दोनों ही पारियों में अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज महाराज ने स्टंप आउट करवाया। क्विंटन डिकॉक ने दोनों ही बार रोहित शर्मा को स्टंप आउट किया और दोनों ही बार गेंदबाज एक ही था, मतलब अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज महाराज। वैसे रोहित शर्मा इस मैच में शानदार खेले, उन्होंने दोनों ही पारियों में शतक लगाया था। रोहित शर्मा की अगर बात करें तो रोहित शर्मा ने इस टेस्ट मैच में काफ़ी रिकॉर्ड बनाए। छक्कों की बात करें या फिर बतौर ओपनर पहले ही मैच की दोनों पारियों की शतक की बात करें, रोहित शर्मा ने इस मैच में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन अगर स्टंप की बात करें, जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए थे, तो कहीं ना कहीं 80 साल बाद ऐसा मौका आया है जब किसी एक गेंदबाज ने किसी एक बल्लेबाज को एक ही तरह से आउट किया। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।